घूम रहा 25 फीट के आसपास पानी पानी में रहता है। यानी कुंडल पानी में रहता है ना, पानी हाँ एक ठंडा पड़ा हुआ है, बोल निकाल आता है जाएगा। उनको शुगर ग्लाइडर कहा जाता है, गरीब मांसपेशियों से जादूगर आने में कम आया जा पास मारे ले उधर 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 विदेशी था न्यू एक्सचेंज प्रोग्राम में जो हमको जो मिलने वाले उसमें बर्ड्स मेमल्स और रेप्टाइल की विभिन्न प्रजातियाँ, और ये विशेष रूप से प्रजातियाँ एक्जोटिक प्रजातियाँ हैं जो इंडिजिनस एक भी नहीं है उसमें। अगर रेप्टाइल्स की बात की जाए तो उनमें एनाकोंडा प्रमुख है, और कुछ बाल पैथन की प्रजातियाँ हमको मिलेगी जो कि डिफरेंट कलर वेरियंट है इसमें, जो कि दर्शकों को काफ़ी अट्रैक्ट करेंगे। उसके अलावा जो बर्ड्स की अगर बात की जाए, बर्ड्स में हम लोगों को मकाऊ है, मकाऊ के अलावा एक्लेक्टस है, एक्लेक्टस के अलावा कुछ ऐसे बर्ड्स भी है जैसे क्राउन फीजेंट है। मेमल्स की अगर बात की जाए तो मार्मोसेट है, उसके अलावा कॉटन टॉप मंकी है, रेड हैंडेड टैमरिंड है। तो इस प्रकार की जो प्रजातियां हैं जिनके एक 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 पेयर हम लोगों को मिलेंगे। कुछ फिंचेस मिली बर्ड में, 22 के करीब फिंचेस हम लोगों को मिली, जो कि 1.5 इंच से 2 इंच के करीब उसकी लंबाई रहती है, एक्जोटिक प्रजाति के हैं वो भी। तो इस तरह के जो अलग अलग कलर वेरियंट और काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी अच्छे सुंदर दिखते बर्ड हमें जो हमारे दर्शक आएंगे उनको भी काफ़ी अट्रैक्ट करेंगे, और नंबर ऑफ स्पीसीज का जो हमारा कलेक्शन है उस कलेक्शन प्लान भी काफ़ी संख्या उनकी बढ़ जाएगी। अंडा आया है वो किस प्रजाति का है, और भारत में किन किन चिड़ियाघरों में है, और किस दुर्लभ प्रजाति का? देखिए, वाकई दुर्लभ तो है क्योंकि ये भी एक्जोटिक प्रजाति का रेप्टाइल ही है और फ्रेश वाटर है ये। हम लोग इसको अभी जो स्नैक हाउस है उसमें रिलीज करेंगे। बहुतायत में ये नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में पाया जाता है। इसकी दो प्रजाति होती है, येलो होता है और एक ग्रीन होता है। तो ग्रीन तो श्रीलंका वाले एरिया में मिलता है, लेकिन ये येलो है, ये नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में, जिसका हमको एक पेयर मिला है। अभी मेल की लेंथ करीब 4.5 फीट की है जो सेमी अडल्ट है, और जो फीमेल है उसकी लेंथ करीब 1.5 फीट की है जो कि जुवेनाइल है अभी। तो काफ़ी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है इस रेप्टाइल्स में, आने वाले 1 साल के अंदर काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आने वाली कहते हैं वो किस प्रजाति की है, कहाँ पे पाई जाती है, और अभी तक कितनी है भारत में? देखिए, ये तो इंडियन कॉन्टिनेंट में ही मिलती है, जिसको हम लोग फ्लाइंग स्क्रिल बोलते हैं। एक्चुअली फ्लाइंग स्क्रिल जो होती है, इसको हम लोग फ्लाइंग इसलिए बोलते हैं कि ये पेड़ पे चढ़ने के बाद वहाँ से जंप करने के बाद ये ग्लाइड करती है, अपने वेव्स को फैला लेती है, और उसके सहारे फिर हवा को बैलेंस बनाते हुए नीचे की तरफ आती है। तो ग्लाइड करती हुई नीचे आती है, इसलिए इसको फ्लाइंग स्क्रिल बोलते हैं।
जो बड़े पिंजरे में होती है ना, तो ऊपर कूदती है और ऊपर से नीचे स्लाइड करती है, वो पता उस टाइम उड़ती है। आप देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलियन पैरट्स हैं, इनको रेनबो लॉरीज कहते हैं, इनमें कई सारे कलर्स होते हैं, आप देख सकते हैं जिस तरह। आप ये अभी आपको चिड़ियाघर में देखने को मिलेंगे। ऐसे कई बर्ड्स लाए हैं सर, अभी इनको रिलीज कर दिया गया है। ये क्या जंप करती है, इसलिए इसको उड़ने वाली बोलते हैं क्या? ग्लाइड करते हैं सर ये। अच्छा, इनके जो पैर है ना, उनके दोनों पैरों के बीच में झिल्ली होती है, वो ऐसे खोल देते हैं ना चमगादड़ की तरह। अच्छा, वो ऐसा ऊपर से एकदम बिल्कुल।